जी हाँ दोस्तों, यही एक चंद्र ग्रहण ऐसा है जो कि हमारे भारत देश में एक संपूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि हमारे भारत देश में सूर्य ग्रहण तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन साल 2023 का दूसरा और अंतिम जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो आपके भारत देश में संपूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो आइए इस चंद्र ग्रहण के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताएंगे, कब से लेकर के कब तक यह चंद्र ग्रहण रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इसका सूतक काल कब से होगा और आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या चीजें करनी चाहिए, यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में आज संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो अगर आप भी चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर शुरू होगा और उसके अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर की रात 3:55 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। और दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखिए कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपका सूर्य ग्रहण लगा था वो हमारे भारत देश में आंशिक रूप से ही दिखाई दिया था, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो हमारे भारत देश में 2000 साल बाद दिखाई देने जा रहा है। और वो भी दोस्तों बता दें कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में पूरा संपूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स बता दें कि जब से यह चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा तब से आपको कोई भी देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करना है, ना ही आपको मंदिर का द्वार खोलना है। इसके अलावा दोस्तों जैसी यह चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा तो आपको भोजन का सेवन भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके घर में 65 से 70 साल के ऊपर उम्र वाले व्यक्ति जैसे कि आपके दादा दादी नाना नानी हो गए, इन सभी को आपको चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने देना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसी यह चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो तुरंत आपको स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, और ऐसा करने से आपका घर बिल्कुल भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जो आपके प्रकाश की किरणें आती है वो काफी निगेटिव और नकारात्मक होती है, और गंगा जल छिड़काव करने से आपका पूरा घर पवित्र हो जाता है। और दोस्तों बता दें कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा। दोस्तों बता दें कि अगर आप मिथुन राशि से हैं, धनु राशि से हैं, इसके अलावा अगर आप कर्क राशि से हैं, तो इन सभी राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा। दोस्तों बता दें कि अगर आप इन राशियों से आते हैं और अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा। और सबसे खास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, इसीलिए इन सभी राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आप किस राशि से आते हैं। अगर आप चाहे किसी भी राशि से हैं तो अपने राशि का नाम हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही चंद्र ग्रहण की जानकारी आगे पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, ताकि हम और आप और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और आगे हर एक काम की खबर एक दूसरे तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।